उदाहरण 14, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। हल, यहाँ कोण ए बी डी बराबर 90 अंश है। यह जो कोण है वो वृत्त के व्यास पर बना कोण है और हम जानते हैं कि वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण 90 अंश का होता है। वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण जो कि 90 अंश का है। अब हम त्रिभुज के अंतः कोणों का योग लेंगे। कोण ए बी डी धन कोण बी डी ए धन कोण डी ए बी, इन तीनों कोणों का के युग का जो अंतः को तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश है। यहाँ पे कोण ए बी डी जो है 90 अंश का है। उसी तरह से कोण बी डी ए 30 अंश का है और हमें हम कोण डी ए बी ज्ञात करेंगे बराबर 180 अंश। और अब यहाँ पे हम कोण डी ए बी बराबर 180 अंश 90 अंश धन 30 अंश बराबर 120 अंश उसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण 120 अंश या कोण डी ए बी बराबर 60 अंश। अब हम देखते हैं कि कोण डी सी बी धन कोण डी ए बी जो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे हम लेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कोणों का योग 180 अंश होता है। अब कोण डी सी बी जो है हमारा हमने प्रश्न में जो दिया आकृति में वो x अंश है तो x धन कोण डी ए बी जो हमने कोण डी ए बी 60 अंश हमने ज्ञात किया है तो 60 अंश बराबर 180 अंश या x बराबर 180 अंश ऋण 60 अंश या x बराबर 120 अंश। इस तरह से हमने x का मान दी गई आकृति में x का मान 120 अंश ज्ञात किया या इस उदाहरण का हल होगा।